हाय गाइस, आज हमें कुछ फ्रैक्शन चेंज करना है, इनको भिन्न में बदलना है। छोटे छोटे कैलकुलेशन है बट ये इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इनको हमें चेंज करना है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपल सा। पहला क्वेश्चन है, एक सही 2/7। तो यहाँ पे इसको हम 1+2/7 ये भी लिखते हैं, लेकिन अगर जो हमें ये नहीं लिखना है तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम एक सही 2/7 को क्या करते हैं कि 7 का गुणा 1 में करेंगे। 7 × 7 और +2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 2 9/7। ये हो जाएगा इसका आंसर, टोटल आंसर आ जाएगा कितना, 9/7। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है, 4 सही 3/5। 4 सही 3/5 को तो सेम टू सेम इसी को 5 को गुणा करना है 4 में, तो कितना आ जाएगा 20 और प्लस इसमें जोड़ देंगे हम 3/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 23/5। आंसर हो जाता है इसका 23/5, राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर है सी। क्वेश्चन नंबर सी में है, यहाँ पे हमारा है 3 सही 3/5। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का गुणा इसमें 3 में करें, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18/5, 18/5 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 5 सही 7/8। 5 सही 7/8 में इसमें हम गुणा करेंगे किसका, 8 का गुणा करेंगे 5 में और 5 जोड़ देंगे। यहाँ पे ऐसा कि 8 × 5 8 × 5 + 7/8 वही करेंगे। सो 8 × 5 = 40 और +4 7 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 40 और 7 कितना हो जाएगा 47 और ÷48 ये आ जाएगा 47/48 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 सही 1/3। 3 का गुणा 3 में 3 × 9 और 1 × 10/3 ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 सही 3/4। तो 4 × 5 करेंगे, 4 × 5 में तो 5 × 20 और +3 तो 23/4, 23/4 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 7 सही 3/7। 7 सही 3/7 है, 7 का गुणा किसमें करेंगे 7 में, तो 7 × 7 = 49 और 49 में 3 जोड़ देंगे 52, मतलब 49 में 3 जोड़ दिया कितना 50 और /7 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से एक चीज़ हमें और क्लियर हो रही है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर भिन्न में थोड़ा सा मैं अंतर बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पूछा था कि प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न क्या होती है। तो हिंदी में इनको बोलते हैं उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित और अनुचित में हम अंतर देख रहे थे, राइट। सो उचित भिन्न हमारी होती है जिसमें एक तो यहाँ पे होता है अंश, जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अंश, बटा हर होता है, नीचे हर होता है, ऊपर अंश होता है, जिसको हम इंग्लिश में nominator / denominator बोलते हैं। अंश को बोलते हैं nominator। तो जब भी nominator या अंश बड़ा हो, क्या बोला, जब भी अंश या nominator बड़ा होता है तो वहाँ पे हमेशा, मतलब कंपेयर देन किसके, हर के, अंश बड़ा हो हर से तो वहाँ पे इम्प्रॉपर भिन्न होती है या अनुचित भिन्न जिसको हम बोलते हैं वो होती है अनुचित भिन्न। यदि अंश बड़ा, अंश से हर बड़ा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो वहाँ पे होगी प्रॉपर भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी। जैसे इसको हम ले सकते हैं कि उचित भिन्न, उचित काम वो होता है जो नीचे के व्यक्ति समृद्ध हों और ऊपर के व्यक्ति उतने समृद्ध ना हों, तो ये होता है इसमें हमें।
तो जब भी अंश बड़ा होगा तो वो होगी हमारी अनुचित भिन्न होगी या इम्प्रॉपर भिन्न होगी। नॉमिनेटर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर भिन्न है, और डिनोमिनेटर बड़ा होगा कंपेयर देन नॉमिनेटर तो वहाँ पे प्रॉपर भिन्न होगी। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये था, इसको हम हल कर चुके थे कि सात सही तीन बटे सात, सात सही तीन बटे सात को हमने हल किया। अभी तो आ रहा था सात सत्ते उनचास और तीन बावन बटे सात। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, ये है कि 182 यहाँ पे लिखा हुआ है, 182 सही तीन एक बटा चौहत्तर। तो हमें 182 में किसका गुणा करना है, चौहत्तर का गुणा करना है। 182 में हम किसका गुणा करेंगे, चौहत्तर में। अब यहाँ पे हमें गुणा करना है किसी भी तरीके से, और उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक रफ पेज निकाल के यहाँ पे करते हैं हम गुणा। सो 184 गुणे कितने का करना था, आई थिंक 72 74 74 का, 182 गुणे 74 करना है। 182 गुणा 74, जब हम इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 8 2 और 7 यहाँ पे, और ये आ जाएगा 7 और 4 7 और 12, तो ये हो जाता है 8 और 6 6 7 14 और 3 1 12468 12468 आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, सो कितना हो जाएगा 1 2 4 6 9 9 के हो गए यहाँ पे, 68 68 था तो एक जुड़ गया और ये नीचे आ जाएगा 74 74। सो इसका आंसर आता है। कुछ और क्वेश्चन है इसमें शायद। अगला ये था कि इनको इम्प्रॉपर भिन्न मतलब सॉरी इनमें मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये जो हमारे पास लिखे हुए थे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थे, मिश्रित भिन्न थे, और इनको हम उचित और अनुचित भिन्न में चेंज कर रहे थे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। अब यहाँ पे जितने भी ये भिन्न लिखी हुई हैं अभी दिखाई दे रही हैं, तो इनमें सब में क्या है, अंश बड़ा है, नॉमिनेटर बड़ा है। तो इसमें नॉमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब है इम्प्रॉपर भिन्न है, अंश बड़ा है तो इसका मतलब है अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स्ड नंबर में, या इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न में चेंज करना। तो मिश्र भिन्न में हमें चेंज करने के लिए हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 12 बटा 11 इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 सही 1 बटा 11 ये आ जाएगा। अब इसको हमने कैसा लिखा है, एक मैं ऐसे करके बताता हूँ। जो 12 भाग इसका डिवाइड करते हैं कि 12 भागे 11 लिखा हुआ है, तो इसमें हमें भाग करना है किसका, 12 का किसमें, 11 में। देखिए यहाँ पे जब भाग एक बार जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। तो ये जो हमारा क्या आ रहा है, भागफल, ये भागफल है और इसमें हम 11 का भाग दे रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा हमें इतना याद है कि जो भागफल आ रहा है उसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर, और जो शेष फल आ रहा है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं अंश में, और जिसका भाग देते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। तो उसका फिर से ये आ जाएगा 1 सही 1 बटा 11। फिर ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि 36 बटा 14 लिखा हुआ है, तो इसको तो सबसे पहले हम इसको छोटा कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको 2 से 1 बार कट जाएगा, सो ऊपर आ जाएगा कितना, 18 ऊपर हमारा 18 आ जाएगा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे 18 बटा यहाँ पे बटा है और ये है 7, मतलब 2 से काट दिया, तो ये हो जाएगा इसको 7 2 सही और 4 बटा 7, इसका हो जाएगा राइट आंसर 2 सही 4 बटा 7, ये हो जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन में।
सेम इसको देखते हैं एक बार करके कि 18 बटे 7 किया था हमने, 18 में 7 का भाग दिया था, तो देखते हैं कि वही चीज़ आता है या नहीं आता। 7 का भाग दिए किसमें, 18 भाग किया 7 का, तो इसमें दो बार गए, यहाँ पर भाग लगा हुआ, ये हो गए 14 और शेष फल बचा 4। तो शेष फल को हमेशा अंश में लिखते हैं ऊपर और इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 सही 4 ऊपर शेष फल लिख दिया, नीचे लिख दिया ये सात, तो 2 सही 4/7 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18/10, तो 18/10 को भी हम एक बार 2 से कैंसिल करके थोड़ा सा छोटा करके इसको लिख सकते हैं 9/5। जब 9/5 लिखा तो इसका आएगा 5, एक बार भाग जाएगा 9 में, सो यहाँ पे 1 लिख दिया, शेष फल बचेगा इसका 4 और नीचे आ जाएगा 5, 1 सही 4/5 सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25/3 लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें 25/3 है, तो 25/3 को हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसमें भाग जाता है 8 बार, हमारा 8 बार भाग जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा 8 × 3=24, 1 बच रहा शेष फल, तो 8 सही 1/3 इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 84/13, तो 84/13 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 13 को डिवाइड करते हैं 84 में, तो हम 13 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 13 × 6=78, तो यहाँ पे आता है कितना 78, 78, तो 6 बार भाग जाता है, और 84 − 78 84 − 78, तो यहाँ पे शेष रिमाइंडर बचता है 6/13, तो 6 सही 6/13 इसका आ जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 32/21, 32/21 को हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व कि यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा 32/21 को, तो 21 का भाग देंगे 32 में तो कितना आएगा, एक बार भाग जाता है, एक ही बार भाग जाएगा, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार भाग जाएगा और हमने बटा लगाया, जब 21 और कम 21 तो 32 − 21 32 − 21 = 11, 11 बचता है और नीचे बच जाएगा वही 21, तो 1 सही 11/21 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है ये क्वेश्चन है 18 सही 18/16, इसको भी हम 2 से अगर जो कैंसिल करें तो ये हो जाता है 9/8, इसमें हम जब हम भाग देंगे तो 8 सही 1/8 आ जाएगा, क्योंकि एक बार भाग जाता है 9 में, 8 × 1 = 8 और 1 शेष बचता है 1 और यहाँ पे आ जाएगा 8, इसका हो जाएगा 1 सही 1/8 सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 75/4 75/4 75/4 लिखा हुआ है, तो 4 का भाग देंगे हम 75 में, तो यहाँ पे एक एक करके भाग देते हैं, 3 × 35 हो गए, 8 × 32 और 3 सही 4, 18 × 72 और 3 × 75, 18 सही 3/4 इसका आ जाएगा सही आंसर। देखिए यहाँ पे हमें कभी गलती ऐसा नहीं करना कि इसको हम इससे कोई अगर जो कैंसिल कर रहे हैं आप तो वो गलत है, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यहाँ पे प्लस माना जाता है कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसलिए उसको ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट। अगर जो आपको इसमें किसी भी चीज़ को डाउट है, अगर जो कोई और चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए, और यदि आपको कहीं भी वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करके बता दो कि हाँ वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो एक लाइक तो बनता है यार, इसमें करते जाओ थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे ये है कि जो छूटे हुए अंक हैं इनको हमें ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, सो एक चीज़ हमें नहीं है, इनको लिखना है। सो इनको कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से, कि 11/13 लिखा हुआ है बराबर x/91, तो इसमें सीधे सीधे क्या करें कि तिरक गुणा कर दें, चलिए इसको हम सिंपल बनाते हैं, सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना है, अभी तो x का गुणा करना है, जैसे हम x का गुणा करते हैं सो तिरक गुणा सॉरी सो यहाँ पे 91 का गुणा हो जाएगा 11 में, सो 11 × 91 बराबर लगा हुआ है, 13 का गुणा हो जाएगा x में, तो 13 x हो जाएगा इज़ द करेक्ट आंसर। सो
इसमें 13 डिवाइड बाय चला जाएगा यहाँ 91 इंटू 11 इज इक्वल टू 30, सो डिवाइड बाय 30, यहाँ से यहाँ पे 30 आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 30, यहाँ से आ जाता है ये 30 कहाँ पे नीचे, सो यहाँ 13 से 13 से 7 ये कैंसिल होता है तो यहाँ पे बच जाएगा 7, और 7 गुणे 11 कितना आ जाएगा 77, 77, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 77 आ जाती है, और यहाँ पे ये हो जाता है हमारा सही आंसर, राइट। सो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 3 से, अब देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा इसी को कर सकते थे हम डायरेक्ट, कि यहाँ से काट सकते थे इसको 13 7 91, 13 7 91, और 7 का डायरेक्ट 11 में गुणा कर दिया, यहाँ पे 77 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 3/5 बराबर 42/x, तो x का गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 42 × 5, 42/5। अब ये 3 जाएगा कहाँ, द्विपद गुणा हो जाएगा, से चला जाएगा कहाँ, यहाँ ऊपर इसके बटे में, सी हो जाएगा हमारा x बराबर, जब लिखेंगे यहाँ पे मैं अगर जो x बराबर लिख रहा हूँ तो 42/3×5, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, सो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं, ये हमारा 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, सो यहाँ पे नहीं सॉरी 14 से हो रहा है, 14 3 42, 14/5 इसका सही आंसर है। अगर जो ऑप्शन में आपका 14 सही, देखो यहाँ पे 14/ कितना बच रहा है 5, तो इसमें 3 आंसर बन सकते हैं 14/5 को, कैसे आंसर बन रहे हैं, या तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनेगा मिश्र भिन्न में, तो इसको मिश्र भिन्न में लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 सही 4/5, इसको ये लिख दिया, या ये आंसर एक सही है अगर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न में पूछ रहा है, तो यदि पॉइंट में आंसर पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहे हैं पॉइंट में, तो ये 14/5 बच रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ पे बचेगा 4, से यहाँ जो हो जाएगा 8, 2.8 इसका सही आंसर बन रहा है, x की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे x का मान निकालना है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या करें, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो क्यों ना हम इनको डायरेक्ट कैंसिल ही कर दें, सो 14 7 98, ये 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा करेंगे 9 में, 9 7 63, तो इसका x का मान आ जाएगा यहाँ पे 63। सो यहाँ पे अगर जो आपको ये ट्रिक पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो एक जरूर लाइक करके जाइए यार। यहाँ पे लिखा है 45/7, इनको सिंप्लीफाई करना, तो सीधे सीधे ये है कि इनको कैंसिल करना, जितने भी किसी भी तरीके से कट रहे हैं तो इनको आप कैंसिल कर दीजिए डायरेक्ट, अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं इनको तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं, सो यहाँ पे कैंसिल कर 45/60 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है 45/60 लिखा है, सो इसको हमें कैंसिल करना है, सो ये कितने से हो रहा है, ये 5 से तो कैंसिल हो रहा है, क्या किसी और चीज़ से हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू में कैंसिल करते हैं, से 15 से कैंसिल होगा, सो 15 3 45 ऊपर आ जाएगा 3, और नीचे 15 4 60, तो 3/4 इसका आ जाएगा सही आंसर। 8/12 लिखा हुआ है तो ये 4 से कट जाएगा सीधा सीधा, तो यहाँ पे 2 4 8 और 3 4 12, 2/3 इसका सही आंसर है 8/4, इसका 12/14 लिखा हुआ है, तो 12/14 को हम 2 से सीधे सीधे कैंसिल करें, तो 6/7, 6 2 12 और 7 2 14, यहाँ पे लिखा है 56/72, सो ये दोनों कॉमन किससे कट रहे हैं, ये 56 14 और 16 से कट रहे हैं, सो ये अलग अलग कट रहे हैं, तो हमें कॉमन चीज़ से काट रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं 4 से ही काटते हैं, तो 4 से ऐसे ही काटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 4 56 और 18 4 72, फिर यहाँ पे एक बार 7 2 से कट जाएगा, तो 7/9 इसका आ जाएगा सही आंसर, ठीक है, तो ये 8 से कट रहे थे, 8 7 56 9 8 72, सो 8 से हमने डायरेक्ट इसको, आप 8 से भी काट सकते हैं, कि यहाँ पे 8 7 56 8 7 56 और 9 8 72, यहाँ पे 9/7 सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 6/14, 6/14 को 2 से काट दो सीधे सीधे, 3 2 6 और
यहाँ पे तीन दोने छः और तीन दोना छः हो गया, सात दोना चौदह हो गया, 3/7 इसका सही आंसर आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये गुणा लगा हुआ है, 3/4 × 5/7 × 11/3 × 2/4 × 14/6। अब इनको हम देखते हैं कि किसी भी तरीके से इनको अगर जो कैंसिल हो जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे ये 2 से कट गया, 2 × 4 और 2 ये कट गया 7 से, ठीक है। यह हम ऐसा काट सकते हैं, किसी को भी काट के यहाँ पे कि 3 से 3 ये कट गया और इस 7 से ये 7 कट गया। हमारा ऊपर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है और 11 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है 6 और 4 बच रहा है। तो ऊपर हो गए हमारा 5 और 11 मतलब 55 डिवाइड बाय यहाँ पे 6 × 4 ये बच रहा है 24, 6 × 24 तो 55/24 हमारा सही आंसर है। अगर जो ये इसको मिक्सड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न में इसको चेंज करना है, तो मिश्र भिन्न बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 24 × 48 होता है और यहाँ पे 7/24, 7/24 इसका सही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल से गुणा करना है, गुणा करने के लिए क्या करेंगे, गुणा में क्या होता है कि जो अंश अंश का गुणा होता है मतलब ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे में डायरेक्ट वही गुणा होता है, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में इंटू कर दो, गुणा कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/3, 3 का गुणा 2 में करेंगे। अब देखिए ये संख्या चाहे इस साइड लिखी हो चाहे इस साइड लिखी हो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसमें 3 × 2 करेंगे फिर ऊपर आ जाएगा 6/4 आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे 2 से तो 3/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 4/3 × 5/6, तो यहाँ पे सबसे पहले इनको कैंसिल करते हैं 2 आ जाएगा, सो ऊपर क्या बच गया सिर्फ 5 और नीचे बच गया 4 × 2 मतलब 8 बच गया, ये आ गया हमारा आंसर 5/8। फिर अगला क्वेश्चन है 3 सही, यहाँ पे देखिए गुणा नहीं लगा है, 3 सही 1/4 × 3 लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले ये क्या है मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न लिखी हुई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, मिक्स्ड इम्प्रॉपर भिन्न या प्रॉपर भिन्न में इसको चेंज करेंगे साधारण भिन्न में। तो इसको साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए 4 का गुणा किस में करेंगे 3 में, तो 4 × 3 = 12 और 1 जोड़ देंगे, इसमें आ जाएगा हमारा 13/4 × 3।